पास जो एपी होता है, ठीक है, उसमें हम टर्म्स को ऐसे सपोज कर सकते हैं कि भाई हमारे पास पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी है, ऐसे हम सपोज कर सकते हैं, ए प्लस थ्री डी है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से करें। पहले इसी तरह से करते हैं, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27। तो हमारे पास थ्री नंबर्स जो एपी में हो गए वो हो गए ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, और इनका जो सम दिया हुआ है वो 27 दिया हुआ है। तो आपके पास आएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 27। 3 आप कॉमन लेंगे तो a प्लस d इज इक्वल्स टू 9। ये हमें पता चला। यहाँ से आप चाहें तो a की वैल्यू ले सकते हैं या a प्लस d को ही रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। आपसे क्या चेक कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 405। ये जो नंबर्स हैं आपके पास ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, इनका जो प्रोडक्ट है वो 405। अब आप क्या कर सकते हो, ए को 9 माइनस डी रख सकते हो, तो 9 माइनस डी यहाँ पे भी रख सकते हो, 9 माइनस डी प्लस डी यहाँ पे भी रख सकते हो, 9 माइनस डी प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 405। ये हमारे पास। तो अब आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ यहाँ बचेगा 9, और आपके पास शुरू में आ जाएगा 9 माइनस डी, यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये जो आपके पास तीसरा ब्रैकेट है ये माइनस डी और प्लस टू डी, माइनस डी और प्लस टू डी, तो आपके पास आएगा 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 405। तो 9 जो हमारे पास इधर बचा हुआ था इस 9 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 फोर जा 36, 45 आएगा, 9 फाइव जा 45, तो राइट साइड आ जाएगा 45। और इधर अगर आप चेक करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 45 को आप इधर लाके माइनस करिए, डी स्क्वायर को इधर लाके प्लस करिए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये हमारे पास आया। तो अगर आप चेक करेंगे कि भाई हमारे पास क्या था, 9 माइनस d आया था, a इज इक्वल टू 9 माइनस d, तो अगर d को आप 6 लेंगे, d को अगर आप 6 लेंगे प्लस 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 का मतलब 3, तो ये हमारे पास 3 आया। अब d अगर हमारा a 3 है, हमारा ए थ्री है, तो नेक्स्ट टर्म था हमारे पास 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 इज 9 एंड 9 प्लस 6 इज 15, तो ये तीन हमारे पास टर्म होंगे। लेकिन अगर हम डी को -6 ले रहे हैं और ए हमारा 9 माइनस डी है, तो डी को -6 रखोगे आप तो माइनस माइनस प्लस आएगा 15, तो 15 में से फिर 6 माइनस करो तो 9, 9 में से 6 माइनस करो 3, तो नंबर्स हमारे पास आएंगे 15, 19। तो अगर आप चेक करोगे नंबर्स तो वही है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया कि स्टार्टिंग कहाँ से होना है, 3 से होना है या 15 से होना है। तो अगर आपसे कहता फाइंड 3 नंबर, तो 3 नंबर्स आर 3, 9, 15 या 15, 9। तो एक तो प्रोसेस ये है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है। अब इसका प्रोसेस तो a प्लस डी a माइनस डी करके भी तो कर सकते, फॉर्मूला पे भी तो बना सकते हैं, उससे तुरंत बन क्या करो ना पहले। तो अब अगर हमारे पास टर्म्स का सम दिया हो, तो टर्म्स को कैसे सपोज करते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। अगर हमारे पास एपी में टर्म्स का सम दिया है, लेकिन सम जो दिया है वो दिया है 3 टर्म्स 5 टर्म्स 7 टर्म्स, तो आप ध्यान से देख लीजिए, अगर सम गिवन तभी हम ये चीज करते हैं। Yes, if sum is given of 3 या 5 या 7, यानी कि odd terms, अगर आपको AP में sum given है लेकिन odd terms का, तो आपको जो सपोज करना है, आपको जो सपोज करना है वो इस तरह से सपोज करना है। एक टर्म को ले लीजिए मिडिल वाले को A, उससे पहले को ले लीजिए a माइनस डी, उससे बाद वाले को ले लीजिए a प्लस डी। तो
तो अगर आपको थ्री टर्म्स लेने हैं तो इस तरह से सपोज करें, अगर आप ऐसे सपोज करेंगे तो विद इन सेकेंड आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास टू वेरिएबल में इक्वेशन नहीं रहेगी। हमें एपी में टर्म सपोज करने हैं, अगर एपी में टर्म सपोज करने हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस तो इसमें भी सेम है। अगर थ्री टर्म्स हैं तो इस तरह से ले लीजिए, अगर फाइव टर्म्स हैं तो एक टर्म इधर बढ़ा दीजिए यानी कि ए माइनस टू डी, और एक टर्म इधर बढ़ा दीजिए यानी कि ए प्लस टू डी, तो इस तरह से आपके पास फाइव टर्म्स आ जाएंगे। अगर आपको सेवन टर्म्स लेने हैं तो एक टर्म इधर बढ़ा दीजिए ए प्लस थ्री डी, और एक टर्म इधर बढ़ा दीजिए ए माइनस थ्री डी। कुछ समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझा दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी आपके। कैसे आ गया? हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको एपी में सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ थ्री नंबर्स, लेने का तो हम ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर सम ऑफ थ्री नंबर्स फाइव नंबर्स सेवन नंबर्स दिया हुआ है तो अपने टर्म्स को इस तरह से सपोज कर लो कि डिफरेंस सेम रहे, और सम करने पर हमें थोड़ा सा आसानी होगी, हम करेंगे सम। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाले टर्म को ठीक है सर ए सपोज कर लेते हैं, पहला टर्म हमने ए ले लिया। अब डिफरेंस सेम रखना है तो आगे प्लस करो ए प्लस डी, और पीछे माइनस करो तो ए माइनस डी, तो ये कितने टर्म्स हो गए, थ्री टर्म्स। अगर आपको फाइव चाहिए तो एक और डी माइनस कर दो इधर, तो ए माइनस टू डी, इधर डी प्लस कर दो तो ए प्लस टू डी। आपको सेवन टर्म्स चाहिए तो एक और डी माइनस कर दो थ्री डी, इधर और प्लस कर दो थ्री डी। आप समझ में आया? अब पहले इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा था, आपसे क्या कह रहा था कि भाई हमारे पास सम ऑफ थ्री नंबर इज 27, तो अगर हमने अपने टर्म्स को ए ए प्लस डी और ए माइनस डी सपोज किया है, और हमें दिया हुआ है इनका सम, और इनका सम दिया हुआ है 27, तो आपके पास डायरेक्ट ए आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3a is equals to 27, a is equals to 9, और a जो है हमारा वो मिडिल टर्म है। ये हमारा कौन सा टर्म था, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हमारा आंसर आ गया, जो इसमें क्वेश्चन कह रहा था आपसे, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि भाई मिडिल टर्म बताओ, तो हमें कुछ करना ही नहीं था फिलहाल। तो समझ में आया सर? यस सर, समझ में आया। अब यहाँ से आसान रहता है, मतलब अब अगर सपोज करो हमें सिर्फ इतना ही किया, अब सपोज करो हमसे कहता नहीं नंबर्स बताओ, तो अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या हैं कि भाई हमारे पास नंबर हैं a, a माइनस डी एंड a प्लस डी, और इनका जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 405, तो a हम निकाल चुके, तो 9 माइनस डी इंटू 9, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 405, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो डी स्क्वायर इज 36, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन हम ये कब यूज करते हैं, जब हमें सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ, तो ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जब सम दिया हो, अब यहाँ लिख लीजिए सम इज गिवन, तो अगर थ्री नंबर्स आपको लेने हैं, थ्री देता है वैसे तो ए ए माइनस डी ए प्लस डी, अगर फाइव नंबर्स लेने हैं तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, नोट करो उसे जरा। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, अभी जो हमने टर्म्स लिए हैं, अभी सुन लीजिए बेटे, अभी जो हमने टर्म्स लिए हैं वो ऑड टर्म्स लिए हैं, थ्री टर्म्स फाइव टर्म्स सेवन टर्म्स। सम टाइम आपको क्या होता है, आपको गिवन होता है सम ऑफ फोर टर्म्स या सिक्स टर्म्स या एट टर्म्स, तब आप टर्म्स कैसे सपोज करोगे, तब आप टर्म सपोज करोगे ऐसे, ध्यान से देख लीजिए, ए प्लस डी और a माइनस डी, मैं ऐसा टर्म चाहता हूँ कि जैसे ही हम सम करें तो हमारा a निकल के आ जाए। अगर थ्री टर्म्स इसमें ऊपर वाले में फोर टर्म्स लोगे तो d कैंसिल नहीं होगा, तो अब आप लेंगे a माइनस डी a प्लस डी, और फिर आप आगे कर दीजिए a प्लस थ्री डी, टू डी का गैप रखना है, और a माइनस थ्री, तो अगर फोर टर्म्स होंगे तो आप इस तरह से अज्यूम करिए,
यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो बीच वाले टर्म्स में 2D का गैप है, ध्यान रखना। तो आगे भी 2D का ही गैप रखना है, पीछे भी 2D का गैप रखना है। तो अगर आपको 4 टर्म्स दिए होंगे और आप इस तरह से टर्म्स एज्यूम करेंगे, तो जैसे ही आप इनका सम करेंगे, तो इनके सम करने से आपका ए निकल के आ जाए, भाई ए माइनस 3D। आपके पास क्या है, आपके पास है a माइनस 3d जी सर। तो हमारे पास क्या है, जैसे ही अगर आपको ये टर्म्स दिया जाएगा और आप इनको प्लस करोगे, तो प्लस करने से आपके पास क्या होगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। 3d से 3d कैंसिल और d से d कैंसिल, मान लो सम ऑफ 4 टर्म्स इज 40, तो आपके पास आ जाएगा 4a = 40, a = 10। तो जब भी सम दिया जाए आप अपनी टर्म्स को ऐसे सपोज कर सकते। इसको आपने नोट कर लिया था? यस सर, नोट कर लिया था। चलिए